छिछोरे फिल्म तो चलनी ही थी और इसका कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है। नितेश तिवारी के निर्देशन में बनी फिल्म छिछोरे ने हंगामा मचाया हुआ है। फिल्म को दर्शक भी खूब पसंद कर रहे हैं और फिल्म बॉक्स ऑफिस पर भी खूब सफल हो रही है। फिल्म में जिन कलाकारों ने अपनी खास छाप छोड़ी है उनमें नलनीश नील का नाम भी शामिल है। नील के कैरेक्टर का नाम पांडू है जिसने बावर्ची का रोल किया है। फिल्म के अंत में कबड्डी मैच के दौरान उन्होंने कोच की जो शानदार एक्टिंग की है उसके बाद एक झटके में उन्होंने लाखों करोड़ों फैन बना लिए हैं। हमने नील से बात की और जानना चाहा कि क्या उनको ऐसी सफलता की उम्मीद थी। बहुत मशहूर हो रही है, अब तो क्या ऐसी उम्मीद थी कि फिल्म इतनी कामयाब हो जाएगी? नहीं, फिल्म देखिए क्या है कि वो इतने बड़े डायरेक्टर हैं, उन्होंने फिल्म दंगल को डायरेक्ट किया और दंगल तो ऑलरेडी जो है उसको काफ़ी फेम मिला है अमृतसर की वजह से। तो छिछोरे फिल्म तो चलनी ही थी और इसका कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है। लोग हालांकि मतलब कई फिल्मों से रिलेट कर रहे हैं क्योंकि कई फिल्मों की शायद उसमें झलक दिखती है। तो कहीं ना कहीं क्या होता है कि सुर होते हैं तो सुर का मिलाप कहीं ना कहीं तो होता है चीज़ों को लेके, तो चीज़ें जुड़ती हैं एक दूसरे से। बट ये फिल्म तो चलनी ही थी, बहुत समय बाद एक फिल्म आई, या आप कह सकते हो 3 इडियट के बाद एक ऐसी फिल्म आई छिछोरे जिसको लोगों ने काफ़ी पसंद किया। नील का फिल्म में कोई बहुत ज़्यादा रोल नहीं है मगर फिल्म के अंत में उनको एक्टिंग का जो बेहतरीन मौका मिला है उसके बाद दर्शक इनको भूल नहीं पा रहे हैं। वो खुद मानते हैं कि इस छोटे से रोल ने चमत्कार कर दिया है। जब आपकी कोई प्रशंसा करता है तो लिटरली मतलब आपको अच्छा तो लगेगा ही लगेगा। और मुझे एक्चुअली नहीं पता था कि एक छोटे से रोल में इतना कभी कुछ इस तरह का मिरेकल होता है, बट ये सिर्फ जनता का प्यार है और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ इस पूरे मतलब अपने भारत का कि मुझे इतना प्यार मिल रहा है। और इवन जो है मुझे अपने जो इंडियंस अपने अब्रॉड में रह रहे हैं वहाँ से भी मुझे शिकागो वगैरह से मुझे मैसेज आए और काफ़ी मुझे मतलब अच्छा लगा। हालांकि चलते शूट में भी नितेश तिवारी सर ने मतलब मेरी बहुत तारीफ़ की है, तो तारीफ़ करते मुझे लगता था मतलब मैं ऐसा क्या कर रहा हूँ, मुझे नहीं पता। बट जब उसकी पहली स्क्रीनिंग हुई यशराज में, लोगों के मतलब मेरे पास फोन आना शुरू हुए, क्या आपने मतलब क्या काम। एक अच्छी फिल्म मिलना भी किस्मत की बात होती है, तो हमने भी नील से जाना कि उनको फिल्म छिछोरे मिली कैसे। ऑडिशन हुआ था इसका मुकेश हबड़ा कास्टिंग कंपनी, वहाँ पर हमारे एक दोस्त हैं वैभव, तो उन्होंने बुलाया और सौरभ भाई हैं वहाँ पर जो उनके मतलब मुकेश हबड़ा जी के कई लोग असिस्टेंट हैं, तो मैंने जाके ऑडिशन दिया और ऑडिशन जो है सर को बहुत अच्छा लगा। और ये नित्य सर का बहुत ही फेवरेट कैरेक्टर है जो मेस में पांडू का कैरेक्टर था, और उससे कहीं ना कहीं हो सकता है उनके उस मेस वाले पांडू से और मेरे फेस से कुछ शायद उनको कनेक्शन लगा, मिलता जुलता कुछ था उनको, काफ़ी मतलब मेरा बॉडी लैंग्वेज उनको काफ़ी पसंद आया तो सर ने मुझे कास्ट किया। नील अपनी फिल्म भोर से भी बहुत प्रशंसा पा चुके हैं, अब छिछोरे में उनकी एक्टिंग की तारीफ हो रही है। इसके बावजूद वो मानते हैं कि उनके स्ट्रगल का सिलसिला जारी है और जारी रहना भी चाहिए। कभी एक्टर का स्ट्रगल कभी ख़त्म नहीं होता, कभी भी नहीं होता। उसको क्या होगा कि स्ट्रगल का मतलब ये नहीं कि पैसा कमाना वो दूसरा वे है। पैसा काम आप अच्छा करोगे आपको काम मिलेगा तो पैसा तो ऑटोमेटिकली आएगा ही। स्ट्रगल एक्चुअली कभी ख़त्म नहीं होता। आप एक फिल्म करते हो, दूसरी फिल्म आपका चैलेंज बढ़ता है, तीसरी फिल्म आपका चैलेंज बढ़ता है, तो चैलेंज बढ़ता चला जाता है, यही आदमी का स्ट्रगल है। और स्ट्रगल अभी मेरा ख़त्म नहीं हुआ, मैं अभी भी जैसा कि मैं बोलता रहता हूँ कि मैं अभी भी एकदम सिफर हूँ, ज़ीरो हूँ, और मैंने गॉड के ऊपर अपने आप को सरेंडर किया हुआ, मुझे जहाँ लेके जाएंगे मैं। नील बॉलीवुड में उन खुशनसीब कलाकारों में से एक हैं जिन्हें करियर शुरू करने के बाद बहुत जल्द ही महानायक अमिताभ बच्चन के साथ फिल्म मिल गई है। वो अमिताभ बच्चन के साथ फिल्म गुलाबों सितारों में काम कर रहे हैं, इस पर वो फूले नहीं समा रहे हैं। अमित जी के साथ काम करने का ना एक हर किसी का सपना होता है, तो मेरा भी मतलब सपना
इंटरनली कहो या आउटरली कहो, वो मेरा सपना था और वो मेरा सपना जो है मेरा पूरा हुआ है। हालांकि मैंने उनके साथ एक ऐड भी किया हुआ है किसान पाइप करके, तो फर्स्ट टाइम जब मैंने उनको देखा, आप ऑब्वियसली आप जिस बंदे को देख के आप मतलब बड़े हुए हो, अपनी चीज़ें देखी हैं, पर हर बंदे का उनके साथ काम करने का सपना है जो कि मेरा ड्रीम मेरा पूरा हुआ है, वो भी पता नहीं क्या है। तो मैंने उनके साथ ये फिल्म की और सुजीत सरकार सर ने मुझे मतलब मौका दिया, इस लायक मुझे समझा, और जोगी मलंग सर कास्टिंग एंड कंपनी उन्होंने मतलब मुझे इस लायक समझा और मुझे कास्ट किया। अमित जी के साथ मैंने काम किया, वो मेरे लिए बहुत ही बहुमूल्य मेरे लिए क्षण थे। आमतौर पर बॉलीवुड में हर किसी का कोई ना कोई गॉडफादर होता है, मगर नील के साथ ऐसा नहीं है, वो ईश्वर को ही गॉडफादर मानते हैं। सिर्फ एक ही आदमी को गॉडफादर मानता हूँ, वो सिर्फ गॉड है, ऑलमाइटी, और मैं किसी को यहाँ पर गॉडफादर नहीं मानता। जिसने जिसके साथ डोर फिक्स कर दी है वो मुझे बुलाएंगे ही बुलाएंगे, मेरी इंडस्ट्री में जितना लिखा है उतना हो गई होगा। मान लीजिए कोई बंदा मुझे बोले कि मैं आपको लॉन्च कर दूँगा, और मान लो मैं अच्छा, क्योंकि सुर होते ना, सुर बिगड़ते रहते हैं आर्टिस्ट को, वो तो हो गया, ऊपर वाले ने मेरे सुर ही बिगाड़ दिए तो मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा ना। तो जहाँ फिक्स है, सिर्फ गॉडफादर एक ही है और कोई नहीं, सिर्फ क्या है, हाँ यहाँ पर आप कितना हम्बल रहते हैं, आपका रिलेशन लोगों से कितना अच्छा है, और कितनी सारी चीज़ें हैं, कितने अच्छे लोग हैं। गॉड ने अपने उनको सब गॉडफादर आप कह सकते हो जो यहाँ पे भेजे हुए हैं, अच्छे अच्छे लोग कुछ भेजे हुए हैं। बॉलीवुड में ऐसी कहानियाँ आए दिन सुनने को मिलती हैं कि फला हीरो को स्टार बनने से पहले बहुत तकलीफें झेलनी पड़ी, तो क्या नील के साथ भी ऐसा कुछ हुआ? तकलीफ हर किसी को होनी चाहिए, इस संसार में जो जी रहा है उसको अगर तकलीफ नहीं हो रही है तो कुछ वो कुछ सीख ही नहीं पाएगा। मैं तो बोल रहा हूँ हर किसी को तकलीफ होनी चाहिए, जीवन है उसका मतलब तभी है जब आपकी लाइफ में स्ट्रगल हो। मेहनत और स्ट्रगल वो सारी चीज़ें जो है आपकी लाइफ में होती रहनी चाहिए, पेन है तभी गेन है। अब नील को बॉलीवुड में एक पहचान मिल गई है और उन्हें रोल भी मिलने लगे हैं, ऐसे में हमने उनसे जानने की कोशिश की कि आखिर वो ऐसा कौन सा रोल है जिसे वो करना पसंद करेंगे। ज़मीन से जुड़ी हुई फिल्में ज़्यादा मैं पसंद करता हूँ, जिसमें मतलब नेचुरल तरीके से मैसेज जाए लोगों, आदमी अपने से कनेक्ट कर पाए। इसका मतलब ये नहीं कि वो कहानी गांव की होनी चाहिए या वो कहानी जो है मतलब वो कहानी कहीं की भी हो सकती है, ट्रू स्टोरीज पे ज़्यादा मैं बिलीव करता हूँ। फिल्म छिछोरे ने नील को अब एक खास पहचान दे दी है। नील दर्शकों से अब तक मिले प्यार से बहुत खुश हैं और उनकी तमन्ना है कि उन्हें इन दर्शकों का प्यार हमेशा मिलता रहे। आपका ऐसे ही प्यार मिलता रहे और आपके प्यार की मुझे बहुत बहुत ज़रूरत है, आप मुझे ऐसे ही प्यार देते रहे, हमेशा प्यार देते रहे, और दुआ करें कि मतलब मैं जिस शिद्दत से चीज़ें करने की कोशिश कर रहा हूँ और वैसे करता रहूँ, आपका प्यार सदैव बना रहे। मैं ऑडियंस आज़ाद एक्सप्रेस के लिए AN शिबली की रिपोर्ट।